जाने वाले मिल्क पाउडर के ब्राउन पेड़ा बनाने के लिए पैन में सबसे पहले मैं गरम कर रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। जैसे मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के मिल्क पाउडर। तो आप देख सकते हैं कौन सा पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं ये वाला ब्रांड ज़्यादातर के यूज़ करती हूँ सारे मिल्क पाउडर के लिए। और अगर मान लीजिए अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो पतंजलि का भी काफ़ी अच्छा रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अभी हम भूनना स्टार्ट करेंगे जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसको ऐसे भूनते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट ये ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमको एकदम ही लो रखना है और धीरे धीरे इसको भूनते जाएंगे लो फ्लेम पे, जैसे कि बढ़िया सा कलर आ जाए। तो इसी तरह से इसको भूनते जाइए। अगर आप हाईएस्ट पे कर देंगे तो जल्दी से डार्क हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबको तो पता है मिल्क पाउडर काफी हल्का होता है तो जल्दी से डार्क हो जाएगा और उसका कलर तो चेंज होगा ही, साथ में कड़वापन आ जाएगा और बेकार हो जाएगी आपकी पूरी मेहनत। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे भूनते जाइए। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर बीच में लम्ब्स भी आए तो घबराने की कोई बात नहीं, उसको ऐसे तोड़ते जाइए स्पैटुला से, वो बाद में ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 3 मिनट के लिए भून लिया, आप देख सकते हैं हल्का सा डार्क होने लगा है। तो अब फिर से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून और घी और फिर से इसको भूनते जाएंगे 2 से 3 और मिनट के लिए। तो बेसिकली हमने क्या किया, सारी चीज़ें हमको बेस में कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने क्या किया डायरेक्टली मिल्क पाउडर को ले लिया और उसको बस हम डार्क करते जा रहे हैं, भूनते जा रहे हैं ब्राउन पेड़ा बनाने के लिए। और फिर से तीसरी बार मैं एक बार और डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून और घी। तो 3 बार टोटल फ्रेंड्स मैंने घी यूज़ किया है, मतलब टोटल घी मैंने यूज़ किया है 3 टेबलस्पून और इसको ब्राउन करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही कलर होना चाहिए, लाइट बिस्किटी या फिर पार्ले जी का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है वरना आगे के प्रोसेस में आपके पेड़े और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। तो इसको टोटल मुझे करने में लगे करीबन 12 से 13 मिनट, ठीक है। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं फिर से गरम कर रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, आप चाहें तो बंद भी रख सकते हैं इस वक्त। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ मिल्क। रूम टेम्परेचर पर मिल्क था, पहले से बॉयल किया हुआ मिल्क है, आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। वरना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आ जाते हैं कि मैंने कौन सा दूध यूज़ किया, फुल फैट लो फैट, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़, इसके बदले आप पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको पहले मिक्स कर लिया लो फ्लेम पे और अब हम डाल देंगे जो मिल्क पाउडर हमने रोस्ट करके रखा था और इसको मिक्स करके लगातार ऐसे पकाते जाएंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। तो इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाइए, भूनते जाइए, लो फ्लेम पे ही करना है, ज़्यादा कुछ हमको कुकिंग करनी नहीं है, कुकिंग तो पहले से ही हो गई मिल्क पाउडर की। बस इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है जैसे कि भूनने वाले स्टेज पे आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको रियली मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना, तो जाने से पहले इस लाइक बटन को ज़रूर से दबा लीजिएगा ताकि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिले और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कलर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है, इसलिए मैंने कहा था बिल्कुल इस स्टेज तक के पकाइएगा, क्योंकि दूध में डालने के बाद भूनने के बाद थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। तो इस स्टेज में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ पाउडर की हुई मिश्री। मिश्री इजिली मिल जाती है मार्केट में, उसका मैंने पाउडर बना लिया। इसको डाल के और मिक्स करते जाएंगे। आप चाहे फ्रेंड्स तो इसके बदले देसी कांड, बूरा या फिर पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपको चाहिए तो गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब शक्कर डालने के बाद भी फ्रेंड्स इसको भूनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो शुगर है ना अपना पानी छोड़ेगा, देख सकते हैं आप थोड़ा सा पानी पानी हो गया मिक्सचर। तो इसको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका कच्चापन पूरी तरीके से निकलना चाहिए, वरना क्या होगा ना आपके पेड़े ख़राब हो जाएंगे जल्दी से अगर भुना हुआ नहीं रहेगा तो। तो फ्रेंड्स शक्कर को अच्छे से पकने दीजिए और पूरा सूख जाने दीजिए इस मिक्सचर के साथ। तो शक्कर डालने के बाद आपको करीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अगर आप इसकी कुकिंग कम करेंगे ना तो पानी पानी रह जाएगा, चुई चुई सा लगेगा पेड़ा। और मान लीजिए अगर आपने इसको ओवर कुक कर लिया तो आपके पेड़े बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाती जा रही हूँ तो प्रोसीजर को फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ऑलमोस्ट सूख गया है। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर और इसको भी मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रोज वाटर डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर डाल सकते हैं या फिर थोड़े से केसर के धागे भिगा के वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छे से उसको पका लीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सचर पक गया है, भून गया, एकदम सही तरीके से दिख रहा है। साइड में तेल भी छूटने लगा है, पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, वो देखने से ही पता चल रहा है। तो अब चेकिंग कैसे होगी कि इसको सेट कैसे करें, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा मिक्सचर ऐसे कटोरी में डाल के रख दीजिए और इसको ना 1 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए पंखे के नीचे। और ये देखिए
जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो ये रोल हो रहा है, मतलब फॉर्म हो रहा है शेप में। इसका मतलब कि आपका टेक्सचर परफेक्ट है, आप इसको किसी भी फॉर्म में शेप कर सकते हैं, इसको अब ओवर कुक नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम बना रहे बिना मावा बिना चाशनी के, उसके बावजूद भी एकदम हलवाई स्टाइल बनती है और आप इसको बना के एक महीने तक के स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले से एडवांस में बना लिया है काफ़ी सारी मिठाई और इसको मैं भेजने वाली हूँ अपने भाई को इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे। तो बस फ्रेंड्स गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, ये हो गया है। तो फ्रेंड्स आप इसका कलर देखिए, इसका टेक्स्चर देखिए। नॉर्मली हलवाई जब घंटों दूध को पकाते हैं ना तो उनको ऐसा पेड़ा का कलर मिलता है, और हमने आज बिल्कुल झटपट तैयार कर लिया 12 से 15 मिनट में। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी कटोरी में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर आपको इसको जल्दी ठंडा करना है तो बस क्या कीजिएगा, 5 से 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि वो सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ जाए, तो आप इसके पेड़े बना पाएंगे। तो ये ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये पेड़ा प्रेस मैंने लिया है। बहुत सारे अटैचमेंट्स भी इसके आते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है, मैं काफ़ी बार यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको इसको खरीदना है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसके ऊपर ना पेड़ा प्रेस डाल देंगे कोई भी अटैचमेंट के साथ, और इसको ऐसे प्रेस प्रेस कर लेंगे 2 से 3 बार, जैसे कि उसमें अच्छे से इंप्रेशन आ जाए, यानी कि निशान आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कितना परफेक्ट पेड़ा बना है, भुना हुआ परफेक्ट डिज़ाइन वाला, परफेक्ट कलर और टेक्सचर वाला। बस इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लीजिए, देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे फ्रेंड्स। इसको आप चाहें तो गार्निश भी कर सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, केसर लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब इतनी मेहनत की है तो तोड़ के दिखाना तो बनता है। ये देखिए अंदर का टेक्सचर एकदम सॉफ्ट ग्रेनी और मुंह में घुल जाने वाला। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने 4 और भी मज़ेदार पेड़े बनाए हैं, जिसका वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके डिटेल से चेक कर सकते हैं।